गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और आनंद से होंगे। जिस प्रकार से आप सभी को भी अवगत है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण सभी कार्य जो है बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुए हैं वो हमारे स्कूल्स हुए हैं। स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो है सभी स्कूल कार्य, शिक्षण कार्य बंद हो चुके हैं और इसके लिए सरकार ने एक निर्देश दिया है जिससे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो सके। इसलिए मैं ऑन ग्लोबल स्कूल मुदाफरा से अर्जुन शर्मा आप सभी की SST की क्लास लूंगा और मेरा ये पहला लेक्चर है। ठीक है बेटा, और डेट है आपकी 16 जुलाई 2020, डे आपका थर्सडे, और SST में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसका चैप्टर है फर्स्ट रिसोर्सेस। आपको मैंने पहले भी समर वेकेशन से पहले मैंने आपको जो है तीनों सब्जेक्ट में SST के पहला सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका सिविक्स, तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका ज्योग्राफी। तीनों में तीन तीन चैप्टर में करा चुका हूं और तीन तीन चैप्टरों के मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में करके नोट्स बना के आपको जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किए थे। मुझे पता है कि आप सबने वो कार्य किया होगा। इसके लिए स्कूल से हम आपके लिए कॉल करेंगे, आपको एक दिन वो अपने नोट बुक लेके आनी। इसमें मैंने आपको वर्क कराया था, उससे मैं सिग्नेचर भी अपने करूंगा। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो है स्टार्टिंग में हमारे कॉन्टेंट है। पहला हो गया हमारा रिसोर्सिस एंड यूटिलिटी। रिसोर्सिस मतलब संसाधन एंड यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, संसाधन की क्या उपयोगिता। ठीक है बेटा, यहां से क्लियर हो रहा होगा। दूसरा हमारा वैल्यू ऑफ रिसोर्स मतलब वैल्यू, उपयोगिता क्या है रिसोर्स की, संसाधन की उपयोगिता क्या है। आज इसे तुम्हें दो पॉइंट पे डिस्कस करूंगा लेकिन थर्ड पॉइंट भी आपको बता देता हूं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है हमारा पॉइंट टाइम एंड टेक्नोलॉजी यानी कि समय और तकनीकी। ठीक है, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक, इसमें पहला आया था रिसोर्सेस एंड यूटिलिटी। रिसोर्सेस मतलब संसाधन एंड और यूटिलिटी दोनों ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। रिसोर्सेस को मैंने बताया था संसाधन, एंड यूटिलिटी हो गया हमारा उपयोगिता, संसाधन उपयोगिता। जब कोई संसाधन होगा तो उसका उपयोग भी तो होगा, उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता भी तो होगी। अब इसकी जो है डेफिनेशन ले लेते हैं। रिसोर्सेस कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। रिसोर्सेस संसाधन का जो यूज उपयोग करते हैं अपनी जरूरत के लिए, जो जरूरत के लिए उसका उपयोग करते हैं जिससे हमें आनंद की प्रबलता, कुछ हमें वैल्यू मिले उस चीज की। देखिए इसके एग्जांपल बहुत सिंपल से एग्जांपल है मोबाइल टू टॉक। जैसे कि हमारे पास में ये बेटा क्या है, ये मोबाइल है। ठीक है, इसका ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा संसाधन। क्या है संसाधन। ठीक है, अब इसका यूज यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, फोन पर बात करना, टॉक करना। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज है हमारी वाटर। वाटर क्या हो गया हमारा रिसोर्सेस मतलब संसाधन, और किस लिए इसकी यूटिलिटी उपयोगिता है, पीने के लिए। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जो वीडियो को पोस्ट करके जो है मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट होगा इलेक्ट्रिसिटी टू यूज इलेक्ट्रिक एप्लायंस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे ये जो बिजली है इसका यूज हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि टीवी देखकर और अपना फैन चलाकर और बहुत सारी चीजें हैं। कार और व्हीकल टू गो एनी वेयर। कार क्या भी हमारा संसाधन है, इसका इसलिए यूज करते हैं यूटिलिटी मतलब कहीं जाने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी एक ही चीजें होती हैं जिनमें कोई भी अंतर नहीं है। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेस, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर हमारा यूटिलिटी है तो उसका हमें पता चलेगा जब हम उस चीज को यूज करेंगे। ठीक है ना, अब वैल्यू ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू ऑफ रिसोर्स रिसोर्स की क्या उपयोगिता है, बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा, ये दोबारा रिपीट करता हूं मैं। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इसकी क्या उपयोगिता है। वैल्यू मीन्स व्हाट, वैल्यू मतलब होता है उपयोगिता, इसका मीन्स है कीमत। वैल्यू उपयोग की क्या कीमत है, जैसे कि देखो बहुत सिंपल उदाहरण दिए हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल उदाहरण है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे मेटल्स, मेटल्स मतलब होता है धातु, जैसे कि सोना चांदी, इस प्रकार से मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, इनकी
कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि आपके पास में अब सोना है चांदी है, तो इसके बदले में आप कुछ भी चीज जो है पर्चे मतलब खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। दूसरा उदाहरण, फ्रूट्स हैव ए न्यूट्रिशनल वैल्यू। फ्रूट्स मतलब फलों की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है भाई? एक फलों से क्या मिलता है हमें, बताइए आप सब। बोलिए जोर से, स्पीक लाउडली, बोलिए भाई। फलों से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो इसकी फ्रूट फलों की भी हमारे जीवन में क्या है? वैल्यू। और ये फ्रूट्स क्या किसमें आ जाएंगे? हमारे रिसोर्स में। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पीपल देन सर्विस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब प्रसिद्ध क्या है? लोग, पीपल, वो अपने आप में खुद ही एक क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। कैसे हैं? अब देखिए यहाँ पर, इट इज देयर आइडिया नॉलेज। उनके पास में क्या है? आइडिया, अपने अपने विचार है, अपने अपने नॉलेज है, ज्ञान है। उसके द्वारा वो क्या करते हैं? एंड डिस्कवर, खोज करते हैं अपने भी नॉलेज के हिसाब से। दैट लीड टू क्रिएशन, वो क्रिएशन मतलब नई नई चीजों की उत्पत्ति करना। ऑफ मोर रिसोर्सेज पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो होते हैं पीपल, लोग होते हैं, इन्हें हम दूसरे नाम से ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, तो बीच बीच में आप मेरे वीडियो को पॉज करके रोक कर जो है अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए एक और सूचना है, देखिए आप सभी के रिपोर्ट कार्ड जो है कंप्लीट हो चुके हैं नर्सरी टू 8 क्लास तक। तो आप जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट कार्ड अपने स्कूल में आकर ले जाए। इसके लिए जो है बेटा आपको मार्च तक की फीस जो है कंप्लीट डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी आप इसका स्किल कोड ले लेना एक बार आप। ठीक है,